Hey guys, welcome back. Good morning, दोस्तों. तो दोस्तों हमारे टर्टल पॉड को सूखते हुए कंप्लीट दो दिन से भी ज्यादा हो चुके यार. मैंने आज ही मॉर्निंग में इसे धूल थोड़ी बहुत जम गई थी तो मैंने अच्छे से इसे क्लीन कर लिया आज. दोस्तों आपको पता था यार, मैंने सारे प्लांट्स हमारे टर्टल पॉड के ऊपर यहाँ पे रखे थे, ठीक है. यहाँ पे हमारे प्लांट्स रहने वाले. और भाई आज हमें करना है हमारे टर्टल पॉड का सेटअप, जैसे कि यहाँ पे. ओके दोस्तों, तो यहाँ पे अभी रहने वाली है हमारी न्यू वाली फिशेज. दोस्तों इस वाले पॉड की सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है भाई, यहाँ का जो वाटर है ना भाई, ग्रीन हो जाता है, ठीक है. और जो बारिश का जो सीजन होता है ना, तब क्या होता है भाई, यहाँ से इस वाले वॉल्स के होकर भाई पूरा पानी हमारे पॉन्ड में आ जाता है और पानी बहुत ज्यादा जल्दी खराब भी हो जाता है. तो हमने इस बार एक अलग ट्रिक लगाई है जो कि मैं आपको बता दूं भाई यहाँ पे क्या रहने वाला है. तो यहाँ पे हम जो फिश छोड़ने वाले ना, तो उनको हाइडिंग स्पेस की जरूरत होती ही होती है भाई, क्योंकि वो लाइव एरर फिश है और वो सीधा बच्चे देती. तो मैंने यहाँ पे सोचा है कि भाई इस वाले पॉन्ड में हम वाटर कैबेज एड करने वाले. और ये प्लांट ऐसा है ना भाई, ये बिना सॉइल का बिल्कुल भी ग्रो नहीं होता, ये पानी भी ग्रो होता है बट उसको सॉइल रही तो बहुत अच्छे से फैलता है. ऊपर जब ट्राई किया था भाई, ये हमने मिट्टी में लगाया था, 50% मिट्टी और 50% हमने इसे वाटर ऐड किया था और ये बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ पकड़ी थी भाई इसने, ठीक है. तो हमने वही यहाँ पे प्लानिंग की है कि भाई यहाँ पे हम पूरे टब सेटअप कर देंगे, टबों में हम मिट्टी भर देंगे और ये वाले प्लांट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे. भाई यहाँ पे हम सीधा मिट्टी ऐड करेंगे तो हमें साइकोमिंग करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है यार, ठीक है. तो हमने सोचा कि भाई टबों में ही मिट्टी ऐड करके ये सारे प्लांट हम यहाँ पे ऐड करेंगे. और यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी आती है मॉर्निंग वाली, जैसे कि अभी मॉर्निंग हो चुकी भाई और यहाँ पे भी थोड़ी देर में पूरा धूप आ जाएगा और ये वाले प्लांट यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो होने वाले. मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम जो फिश रखेंगे ना, वो फिश सरप्राइजिंग रहने वाली है. दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पे कौन सी फिश रहने वाली है. और बहुत सारे भाइयों ने हमारा जो मॉन्स्टर पॉन्ड में सिकलेट फिश ऐड की, तो बहुत सारे भाइयों ने सही गेस किया था, वहाँ पे सिकलेट फिश आने वाली है, ठीक है. तो आप अभी गेस कर दे कि भाई यहाँ पे हम कौन सी फिश वाले, ठीक है. तो चलो भाई जल्दी जल्दी अब हम यहाँ पे सेटअप करना स्टार्ट करते हैं. तो ये आ गई भाई हमारी मिट्टी. एक मिनट यार, इस वाले टब को मैं यहाँ पे रख देता हूँ. ओके, ये पहला वाला टब हो गया और ऐसे ऐसे करके हमारे पूरे 6 टब आड़े वाले भाई. यहाँ पे हमारे 3 टब आ गए, अभी ये चौथा भी आ गया. ध्रुव उठा यार, इसे बहुत ज्यादा भारी आ रही है. ओके, ये आ गया भाई 4th वाला, ये आ गया 5th वाला और एक चाहिए भाई यहाँ पे, ये भी आ गया 5th वाला, 6th वाला सॉरी. तो हमारे आ गए भाई 6 के 6 टब. और अभी बहुत सारे भाइयों के लगे कि आप टबों में फिश रखने वाले भाई, वैसा कुछ नहीं भाई, हमारे पॉड फुल भरने वाला है और हमारे जो फिशेस है ना भाई कहाँ पे भी घूम सकती है, ठीक है. इनके लिए बहुत अच्छा हाइडिंग स्पेस भी हो जाएगा. जब ये प्लांट्स फैलेंगे ना भाई, तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे घूमने को इनको स्पेस मिल जाता है. दोस्तों यहाँ पे हमारी वाटर कैबेज ग्रो नहीं कर पाई, तो हमारा और एक दूसरा प्लांट रेडी है जो कि हम यहाँ पे सीधा लगा देंगे भाई, वाटर पॉपी. और वाटर पॉपी तो सक्सेस है भाई, कहाँ पे भी लगाओ, ठीक है ना, बहुत अच्छा प्लांट है भाई वो. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो ऐसा बोल रहा ना, पॉन्ड भर देते यार पहले पूरा. नहीं भाई, पॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा, सारा पानी खराब हो जाएंगे इसमें, पहले पानी डाल के रखेंगे. हाँ सुना, मेरे दिमाग में और एक आइडिया है. अपन क्या करेंगे, सारे टबों में ना पानी भर देते हैं और प्लांट्स ऐड कर देते हैं. प्लांट्स ऐड करने के बाद कल जैसे मिट्टी बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी, तब अपन यहाँ पे पानी भर देंगे. मतलब पूरा दोस्तों हमारा जो पॉन्ड है ना भाई क्लीन रहेगा. हमारी पाइप भी अभी रेडी हो रही है, दिखा दिखा, दूर दूर कर दे भाई स्टार्ट. तो गाइस अभी हम सारे टब्स भर लेते हैं. ओ भाई ध्रुव आराम से डाल लाओगे भाई, ये देख सारे मिट्टी, यहाँ एक मिट्टी उड़ रही है बाहर, ये देखो गाइस. हाँ भिगो के रखने पड़ेगा अपने को. पकड़ आगे वाला टब ले, 1 नंबर वाला. ओके अभी हमारा जो वाटर है भर के रेडी हो चुका है. अभी यहाँ पे हमारा जो सिंपल सा वाटर कैबेज है ना, वो हमें ऐड कर दे रहा है भाई. तो भाई आप इसके जो रूट्स देख रहे हो ना दोस्तों, ये 50% भाई सॉइल में होना चाहिए और 50% पूरे बाहर होना चाहिए. ए बंद कर दे स्वामी. तो ये देखो भाई, इसे सिंपल सा हमें यहाँ पे ऐड करना है. यहाँ पे हमारी सारी वाटर कैबेज हमने ऐड कर दी और अभी इनमें हम 24 आवर्स तक पानी बिल्कुल नहीं भरने वाले, ठीक है. जब ये पूरा सेट हो जाएगा ना, अभी पानी थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा तब हम यहाँ पे पूरा पानी फिल कर देंगे भाई. अभी से दिखने को इतना खूबसूरत लग रहा है भाई, और 1 महीने के बाद यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है भाई पता नहीं यार. बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा फेवरेट प्लांट है भाई वाटर कैबेज, बहुत खूबसूरत दिखता है दोस्तों. हम कल ही रिवर फिशिंग के लिए गए थे और वहां से बहुत सारे फिशेस लेके आ गए और एक बड़ा सा स्नेकेड भी लेके आ गए, जो कि इधर एक प्लेको फिश के पास ये बहुत रहता है भाई, ये वाला स्नेकेड फिश. और बाकी हमारे रिवर बार वगैरह बहुत अच्छी सीन में, एक गोल्ड फिश भी दोस्तों. और कहा गई यार, रिवर बाप भी दिखने गई. हाँ ये देखो भाई, ये हमारी रिवर बार, ये देख सकते हो गाइस, ये हमारे रिवर बाप जो कि स्पॉन्ज फिल्टर के पीछे ज्यादा छुपना पसंद करती है. इनके लिए हमें हाइडिंग स्पेस तो यहाँ पे ऑलरेडी करके ही रखा है भाई, ठीक है ना. बहुत अच्छे से यहाँ पे रहने वाली हमारे रिवर वाली फिश. बड़ा वाला स्नेकेड फिश दोस्तों हमें दिख ही नहीं रहा यार, हम कब को उसको ढूंढ रहे हैं यार, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा यार हमें. कोई देखे यार, इसने तो जंप तो नहीं कर दी यार. ध्रुव चेक कर यार नीचे, इधर इधर नीचे चेक कर. तो किधर जंप कर दिया यार,
ये जिन्ना है? नहीं मर गए। ओए यार यार, हमने दोस्तों जो स्नेकेड फिश कल लाया था ना रिवर से, भाई उसने जंप कर दी और पूरा सूखा हुआ पड़ा है यार। ये कितना बड़ा था यार, बहुत अच्छा मिला था यार दोस्तों हमें। मैं तो इसको एक टैंक सेटअप ही बनाने वाला था यार। कैसे यार, किसे जंप किया होगा भाई? मैंने ऊपर तो ऊपर से ना दोस्तों मैंने इनको पूरा ढक के रखा था, क्योंकि मुझे पता है भाई ये स्नेकेड फिश बहुत ज्यादा जंप करती है। और ये कल लाया था ना हमने, ये इतना जंप कर रहा था भाई पानी के बाहर, आपको तो कल वीडियो देखा ही होगा आपने। अरे यार ध्रुव, कैसे मारा होगा यार ये? शायद इसने रात को जंप करी है, तो इसी की वजह से ये पूरा देखना पूरा ही हो गया, वो सूख गया है डायरेक्ट। मतलब इसने रात को ही जंप करी है यार, और कहाँ से जंप की होगी भाई? बाकी तो सारे फिश हमारे ठीक है, सिर्फ एक गप्पी फिश ने जंप की है। ये देखो भाई, यहाँ पे भी एक गप्पी फिश की एक फीमेल है जो कि उसने भी जंप की है। मॉर्निंग में ही इतनी ज्यादा बैड न्यूज मिल गई ना, इतना अच्छा था यार स्नेकेड, बहुत बड़ा मिला था दोस्तों, बहुत मेहनत से पकड़ा था यार इसे, दो तीन बार तो ये भाग भी गया था दोस्तों। दो दिन पहले मैंने ये वाला टैंक को अच्छे से सिलिकॉन लगाकर यहाँ पे रखा था, और अभी ये देख सकते हो भाई ये पूरा अभी सूख के रेडी हो चुका है। अभी आज क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम पानी भर देंगे और चेक करते हैं भाई ये टैंक लीक है या नहीं, ठीक है? तो चलो दोस्तों अभी मैं इसे उठाकर हमारे फिश रूम में शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हमारा 2 फीट का टैंक अभी शिफ्ट कर दिया, अभी इसमें मैं पानी फिल कर देता हूँ। दे जल्दी ध्रुव, चलो भाई जल्दी जल्दी ध्रुव, हाँ पकड़ के रखा, टैंक में डाल दो, मैं इसे भाई यहाँ लगा दो। स्टार्ट कर दिया मैंने यार। तो ये हो गया हमारा पहले वाला मॉब, बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, ठीक है? और अभी ये हमारा सेकंड वाला आ गया भाई, न्यू वाला। तो अभी हम यही यूज करने वाले। ये देखो भाई पहले वाला कितना खराब है, और दूसरा वाला देखो। विशाल ये तो टूट गया है ना यहाँ से दोस्तों, टूट गया है, तो इसी की वजह से हमने पाइप ही चेंज कर लिया भाई इसका। हमारा जो क्रेफिश है ना भाई, मेरे ऊपर कैसे घूर रही है देखो भाई। ओए हेलो क्रेफिश। और दोस्तों मैंने इसको जो कल घास लाई थी रिवर से, तो इसने बड़े ही मजे से खाई है, क्योंकि मैंने बहुत सारी यहाँ पे घास ऐड कर दी, तो देखो यार कितनी कम बची। मतलब हमारी क्रेफिश ने अच्छे से एंजॉय की है भाई घास। और ये देखो इसके साथ मैंने एक फाइटर फिश भी छोड़ा है, और गप्पीज भी छोड़े, क्योंकि यहाँ पे मॉस्किटो लार्वे ना हो इसी की वजह से। और हमारी क्रेफिश के लिए हम बहुत जल्द एक बड़ा सा सेटअप बनाने वाले हैं। और दोस्तों मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, आप ये वाला टब देखो और ये वाला टब देखो भाई, सेम भाई, यहाँ पे भी वही श्रिंप ऐड किए है और यहाँ पे भी वही श्रिंप ऐड किए। बट यार यहाँ की जो वाटर पॉपी है भाई, बिल्कुल भी मतलब पूरा का पूरा मिट ही चुका है। ये देखो भाई आज एक पत्ता आया हुआ है, क्या पता यार इस वाटर पॉपी को क्या हुआ। और ये वाटर पॉपी देखो यार अच्छे से फैली है, कोई दिक्कत नहीं भाई इसको, क्या हुआ होगा बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आ रही यार। और यहाँ से जो धूप आती है ना भाई, प्रॉपर इनको सनलाइट भी मिलती है, और इसी की वजह से इतना यहाँ पे अच्छे से ग्रो हुई थी। बट यार 4-5 दिनों में भाई ये पूरा का पूरा खत्म ही हो गया भाई, ये देखो भाई कुछ बचा नहीं है यार ये। तो हमारा ये वाला टैंक अभी पूरा भर चुका है, अभी यार प्लीज लीक ना हो यार, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई इसे फिर से चिपकाने के लिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अभी देखते हैं यार इसे 24 घंटे के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, फिर यहाँ पे जो फिश ऐड होने वाली है वो बहुत जल्द हम लेने के लिए जाने वाले हैं। लकी भाई यहाँ पे बैठना बहुत पसंद करता है, जा लकी जा भाई, ये देखो भाई बैठ गया। तो अभी हो चुका है हमारे स्कूबी का खाने का टाइम, और इसका खाना भी रेडी है भाई, ठीक है? तो चलो भाई इसे देते है इसका खाना, चल स्कूबी आ जा। और स्कूबी भी रेडी है भाई इसका खाना खाने के लिए, ये लो भाई। ये पूरा 20 या 30 सेकंड में पूरा इसका खाना खत्म कर देगी। तो हमारे जो पोलर पैरेट के बच्चे हैं ये इतने बड़े हो गए भाई, अभी देखो यार आराम से इनके ऊपर पैटर्न आना स्टार्ट भी हो चुका है। ये देखो गाइस, ये है हमारे पोलर पैरेट के बच्चे, अभी कम्प्लीट 1 महीने के आसपास हो ही चुके होंगे। और इनके आप देखो भाई, इनके फिन्स वगैरह भी आप देख सकते हो, और इनके टेल के ऊपर आप हल्का सा ब्लू कलर का पैटर्न देख सकते हो। दोस्तों इस बार हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो बेबी पोलर पैरेट्स है ये उनके मॉम डैड के साथ ही रहने देने वाले हैं। देखते हैं भाई ये उनके मॉम डैड इनकी कैसे केयर करते हैं, मुझे तो पूरा देखना है भाई, ठीक है? और ये देखो भाई सारे के सारे बच्चे भाई कितने हेल्दी एंड एक्टिव है, ये लो गाइस भाई साहब। तो चलो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो मैं एड करता हूँ, और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और कल हमें वहाँ पे पानी भी भरना है भाई हमारे वाटर कैबेज के पॉन्ड में।